हाथों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नहायत काबिले एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, तहसील सफदराबाद से तशरीफ लाए हुए मेरे भाइयों, अफतारी का वक्त बिल्कुल अहम करीब है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर का टाइम नहीं है। अल्लाह पाक के हजूर दुआ करें कि अगर हमारे ग्रुप की हमारी नीयत है कि हम इस हलके की खिदमत करें, आपकी खिदमत करें, इस हलके में तरक्याती काम करवाएं, इस हलके में वर्कर की इज्जत हो, तो आप हमारे लिए दुआ करें इस वक्त कि अगर हमारी ये नीयत है तो अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। अजीम साथियों, आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसके लिए आप जानते हैं कि पिछले बजट सेशन में मैंने जिस तरह अपने किसान भाइयों के लिए वहां पे इजहार ख्याल किया था और जिस पे हमारे चंद मिनिस्टर भी नाराज हुए थे कि आपने, वो कहते थे पंजाबी में कि आपने बहुत रेस दी, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और मैंने वहां पे कहा था कि मैं जिन लोगों की वजह से आज असेंबली में हूं, जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, अगर मैं उनकी बात ना करूं तो ये मुनाफ़त होगी। आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो इनकलाबी इकदाम उठाए हैं किसान के लिए, यूरिया पे, डीएपी पे, बिजली पे, और उसके बाद खाद मेला पंजाब ने जो 100 अरब का पैकेज दिया किसान को, उसके लिए जो हम तरीकाकार बना रहे हैं पंजाब हुकूमत में कि जो किसान जब उसकी फर्स्ट का वक्त आता है बिजाई का तो वो मिडल मैन की भीड़ चढ़ जाता है, उसके लिए बिना सोच करते दिए जाएंगे। इसके अलावा वो पहली पोजीशन नहीं होगी जिस तरह कपास और मूंगी की फसल पे जो 34-35 अरब जाया हुआ, जिस पे जो पटवारियों की भेंट चढ़ गया, आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर किसान को पैकेज मिलेगा और खुदा के फजलो करम से दो आने वाले दो सालों में इंशाअल्लाह किसान को चाल होगा। मैं आप सब साथियों का, जितने भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह जलसे भी होते रहेंगे, मीटिंगें भी होती रहेंगी, मैं आप सब साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त शाम के टाइम पे जो बिल्कुल अफ्तारी का टाइम करीब है, आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सिजाबी दे और वो दोबारा आके अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, हमारे लिए काम करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए, जैसा कि पहले उन्होंने मोटरवे बनाई, पाकिस्तान को एक ताकत बनाया, अब जो सी पैक है हमारा, जो राहदारी बना रहे हैं चीन से कराची तक, ग्वादर तक, उसके लिए जो इतने बड़े बड़े मनसूबों का आगाज हो रहा है, जो उन्होंने तैयार किया है कि इंशाल्लाह 2018 तक खुदा के फजलो करम से इस बिजली की पात्रेशन लोड शेडिंग को खत्म किया जाएगा, इसकी ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी पार्टी को कामयाब और कामरान करे। मैं आखिर में फिर अपने मौजूद मेहमानों का, अपने साथियों का, तहसील बार से, हल्का बार से, 135 से तशरीफ लाए हुए सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।